सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ की निकटवर्ती ग्राम पंचायत आदर्श निर्मल ग्राम पंचायत गोपालपुरा की सरपंच सविता राठी ने आम लोगों को व ग्रामीणों को खर्चीली शादियों से बचाने के लिए एक अनूठी पहल की है। समाजवाद का संदेश देते हुए आगामी 16 अप्रैल को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन गांव गोपालपुरा में रखा गया है। इसी आयोजन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को शहर की सत्यम होटल में सरपंच सविता राठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर मीडिया को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान सरपंच सविता राठी ने बताया कि एक साची परंपरा के तहत सर्व समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसी भी समाज के व्यक्ति हिस्सा ले सकते हैं और अपने बच्चों की शादी इस विवाह सम्मेलन में कर सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि अब तक कुल 16 जोड़ों के आवेदन इस विवाह सम्मेलन के लिए उनके पास प्राप्त हो चुके हैं। दूसरी ओर सरपंच सविता राठी ने बताया कि गोपालपुरा के अरहम आश्रम के सामने स्थित भूमि पर इस आयोजन को लेकर विशाल पंडाल लगाया जाएगा। आप भी देखिए सरपंच सविता राठी ने क्या क्या आयोजन की तैयारियों को लेकर जानकारियां दी और किस प्रकार से इस पूरे विशाल और अनूठे कार्यक्रम को अंजाम दिए जाने के बारे में बताया। और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। इस प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अत्यधिक खर्चीले विवाह सम्मेलन हम देखते हैं कि होते हैं, उसी को कम करने के लिए, उसी में चैतन्यता लाने के लिए एक साझी परंपरा के उद्देश्य के तहत हम विवाह सम्मेलन, सर्व समाज विवाह सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें मेरे पुत्र का भी हम उसी में विवाह करेंगे। और अभी तक हमारे पास 16 जोड़ों का आयोजन हो चुका है, और भी जोड़ों को हम अभी निमंत्रित कर रहे हैं। और साथ ही हम मैं कहना चाहूँगी कि ये जो प्रेरणा है, ये मुझे मेरे पिताजी और मेरी बड़ी नानंद माननीय लीला देवी बजाज और पिताजी वंशीला जी महेश्वरी की प्रेरणा से मुझे ये लगा कि मेरे पुत्र के विवाह के साथ मैं अन्य कन्याओं का भी विवाह करूं, ताकि उनके लिए भी ये एक उपहार हो और साथ ही समाज में चैतन्यता हो कि आर्थिक खर्चीले हम कम करें और एक विवाह में कई विवाह करवाएं। 16 तारीख को होने जा रहे इस विवाह सम्मेलन में हम व्यवस्थाएं जो है सामूहिक व्यवस्थाएं करेंगे। एक साथ बारात आएगी, उनका सामूहिक भोजन हमारी तरफ से किया जाएगा, बारातियों की सुविधाएं, कन्याओं के उपहार सभी की व्यवस्थाएं की जाएगी और साथ ही कन्यादान भी उनका हमारी तरफ से किया जाएगा। ये स्थान गोपालपुरा ग्राम के अरहम आश्रम के सामने जो मैदान है उसमें होगा। लगभग 8 बीघा का स्थान है, जिसमें कि पूरा टेंट लगाकर इन तरह की व्यवस्थाओं को संपादित किया जाएगा। बिल्कुल, ग्रामीण जनता में अभी भी पुरातन परंपराओं का समावेश बहुत ज़्यादा, मैं कहना चाहूँगी एक तरह से रूढ़िवादिता के तौर पर जकड़न होती है। वहीं से हम इसलिए शुरुआत करना चाहते हैं ताकि जो रूढ़िवादिता की जकड़न है, ये जकड़न कम हो, ख़त्म हो और आने वाले सूरज का ये एहसास कर सके, ताकि हमारी पीढ़ियाँ बहुत संतुलित हो सके और इस जागरूकता के साथ हमारी पीढ़ियों का संचालन हो कि वो पीढ़ियां इस जो जकड़न से है वो मुक्त हो सके। मैं आमजन से अपील करना चाहूँगी कि चूंकि जो हमारे लोग हैं वो बहुत ही खर्च करके अपने विवाह, अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह बड़े शौक के साथ करते हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगी अपने पुत्र पुत्री के विवाह में जरूर कुछ जो वो लोग जिनको की जरूरत है उन्हें अपने साथ लें, अपने पुत्र के साथ उनका भी विवाह करें, ताकि हम कहते हैं कि आशीर्वाद समारोह में सभी पहुँचे और वर वधु को आशीर्वाद मिले। तो इस प्रकार का आयोजन करने से इन जो वर वधु है उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, उनका जीवन सुगम होगा और आने वाले समय में एक बहुत ही उज्ज्वलता आएगी कि सभी हम मानव हैं और हम मानव के हिसाब से काम करें और मानवता के धर्म का पालन करें। उससे संपर्क कर सकते हैं, मेरे साथ आ सकते हैं, वो हमारे जो लोग हैं जैसे दिनेशी पीपल वहाँ है, महेश्वरी भवन में हमारा स्टाफ बैठता है, अरुण शर्मा है, हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं जो वीरेंद्र जी, वो भी इतना उत्साहित हुए कि उन्होंने भी हमें ये कहा कि वो भी अपने पुत्र की सामाजिक चेतनता के कार्यक्रम में बिल्कुल वो भी शादी करेंगे। तो एक ऐसी चेतन्यता आए, हम चाहते हैं समाज में इस चेतन्यता का विकास हो, ताकि जो भेदभाव है, जो जातिगत समीकरण है, जो रूढ़िवादिताएँ हैं,
वो खत्म हो सके और मानव मात्र को समझ सके।